वहीं जमुई के झाझा में पिछले कई सालों से विकास कार्य ठप पड़े हैं। ग्रामीणों को न तो जल नल योजना का लाभ मिला और न ही आवास योजना का। ग्रामीणों ने मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए मुखिया ने 15 से 20 हजार रुपए वसूल किए, जबकि पैसे नहीं देने पर उन्होंने साफ कह दिया कि आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में जब नेशन न्यूज के संवाददाता कुमार हर्ष ने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने कहा कि सूची में नाम होने के बावजूद भी मुखिया नंद किशोर पासवान ने पैसे लेकर किसी और को योजना का लाभ दिलवा दिए हैं। समस्या है जो कि मनरेगा के तहत काम अधूरा रह गया, जनरल का जो है सो मतलब पूरे टोटल पंचायतें में वंचित काम, जनरल का तो बिल्कुल घोटाला ही हुआ। मकरंद ग्रामीण में जो है सो आज तक टंकिए ने बैठा परेशानी की, वही 15 हजार रुपया दिया तब भी आपको कॉलोनी आएगा। किसको दिया गया? नंद किशोर पासवान। कौन है ये? मुखिया है। जमुई से हमारे संवाददाता कुमार हर्ष जुड़ चुके हैं। कुमार हर्ष, एक सवाल आपसे, ये पंचायत चुनाव नजदीक है और इस तरीके से मुखिया की लापरवाही सामने आ रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मुखिया ने पैसों का दुरुपयोग किया है, उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं हुआ है। क्या कुछ इस पर सामने निकल कर आ रहा है हर्ष? देखिए ऋतिक, सबसे पहली बात यह है कि इतना बड़ा और लाखों रुपए का लूट खसोट अगर एक योजना में है तो 5 वर्षों में मुखिया की कमाई का औसत क्या होगा, इसका अनुमान हम स्वयं भी लगा सकते हैं। फिलहाल जमुई का ये गांव जिसका नजारा हमारे दर्शक स्क्रीन पर साफ साफ देख रहे हैं, जहां विकास किस चिड़िया का नाम है वहां के ग्रामीणों को पता तक नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कच्चे और फूस के मकान में रह रहे गरीब तबके के लोग, जो मुखिया जो वहां के स्थानीय मुखिया जो है उन्होंने हजारों रुपए की उगाही की और उन्हें आश्वासन भी दिया गया था कि उनके जो भी जो उनको आवास योजना में जल्द से जल्द मुहैया कराया जाएगा, लेकिन पैसे लेने के बाद भी कई लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है और नल जल योजना का कार्य भी अब तक अधूरा है। उस गांव में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, ना कि विकास की। जी हाँ, तो क्या आपकी इस पर मुखिया नंद किशोर पासवान से बातचीत हुई है? क्या कुछ कहना है इस पर उनका? इतनी बड़ी मुखिया सामने आ रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? वो फोन लाइन पे लेने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारी इसमें कोई भी संलिप्तता नहीं है, ग्रामीण जो है वो झूठ कह रहे हैं और ग्रामीणों से भी उनकी जो है तू मैं हो गई फेस टू फेस होने के बावजूद भी जी। और दूसरी बात ये कि स्थानीय पदाधिकारी को ग्रामीणों ने कई बार ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन पदाधिकारियों का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, कोई संज्ञान नहीं लेना साफ साफ ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं विभाग की भी इसमें कहीं ना कहीं भूमिका रही। जी हर्ष, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, ये पंचायत चुनाव नजदीक है और इस तरह की लापरवाही सामने आई है। खैर, मौजूदा जो मुखिया हैं आपको नंद किशोर पासवान, उन्होंने कुछ भी कहने से इस पर चुप्पी साध ली है, कन्नी काट ली है, लेकिन पंचायत चुनाव अब होने हैं, इतनी बड़ी लापरवाही सामने है, क्या जो अब मुखिया पंचायत चुनाव के जो मुखिया के प्रत्याशी हैं जो अब होने वाले हैं इस चुनाव को लेकर, उन्होंने क्या कुछ कहा है? क्या इस जो ये दुविधा में ग्रामीण रह रहे हैं, इन योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, क्या उस पर उन्होंने कोई बात की है कि मुखिया बनने के बाद क्या कुछ वो करेंगे उस पर, अगर वो बनते हैं तो? हमारे पास अपडेट है कि जब हमारी टीम वहां पर गई तो पूर्व सरपंच और जो वर्तमान के कुछ जो प्रत्याशी है जो मुखिया और सरपंच का भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को निपटा कर हम लोग जो है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन एक बार पुनः सौंपेंगे और जहां तक होगा हम ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर मुखिया के खिलाफ अपने आक्रोश को व्यक्त करने का कार्य करेंगे। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्ष। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से, चाहे वो नल जल योजना हो, पीएम आवास योजना हो, इन सभी योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीणों को नसीब नहीं हुआ है, उनके हक में नहीं गया है। और जो मौजूदा मुखिया है वहाँ के नंद किशोर पासवान, उन्होंने कुछ भी कहने से इस पर इनकार कर दिया है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि पंचायत चुनाव नज़दीक है, ऐसे में इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, तो इस पर क्या कुछ सामने निकल कर आएगा वो देखने वाली।